सो हेलो गाइस, वेलकम बैक माय चैनल। सो गाइस, इस वीडियो में हम बात करते हैं कि आप अपने आईफोन में ऐप में लॉक कैसे लगा सकते हो। सो गाइस, बहुत सारे आईफोन एंड आईपैड यूजर्स का मेजर क्वेश्चन ये होता है कि अपने आईफोन में ऐप में कैसे लॉक लगाए। सो गाइस, बहुत सारी एप्लीकेशंस ऐसी है जिसमें आपको इंडिविजुअल ऐप लॉक का फीचर्स मिल जाता है, जैसे कि आप व्हाट्सएप में एनेबल कर सकते हो, बैंकिंग कोई भी एप्लीकेशंस हो इसमें आप इंडिविजुअल ऐप लॉक एनेबल करके आप ऐप लॉक लगा सकते हो। सो गाइस, हम हमारे आईफोन में इंस्टाग्राम, फेसबुक एंड ऑल्सो फोटोज में कैसे इंडिविजुअल ऐप लॉक एनेबल करें। सो गाइस, बहुत सारे लोग ऐप स्टोर में सर्च करके कोई भी एक एप्लीकेशंस डाउनलोड करके यूज़ करते हैं, बट स्टिल वो एप्लीकेशंस पेड होती है। तो इस वीडियो में हम बात करने वाले कि कैसे आप अपने आईफोन में विदाउट एप्लीकेशंस ऐप लॉक कर सकते हो। सो गाइस, आपने अभी तक मेरी चैनल को लाइक, कमेंट एंड सब्सक्राइब नहीं किया है तो लाइक, कमेंट एंड सब्सक्राइब कर दीजिए। तो गाइस, फर्स्ट ऑफ ऑल आपको अपने आईफोन में शॉर्टकट एप्लीकेशंस मिल जाएगा, उसको टैप करने के बाद आप देख सकते हो बॉटम में आपको ऑटोमेशंस का ऑप्शन मिलता है। उसके ऊपर जाने के बाद आपको एक क्रिएट पर्सनल ऑटोमेशंस का ऑप्शन मिलता है, उसके ऊपर टैप करने के बाद आपको स्क्रॉल डाउन करके एप्स में जाना है। एप्स में आप सेकंड ऑप्शन देखते हो, चूज का ऑप्शन मिलता है, उसके ऊपर टैप करके आपको जिस एप्लीकेशंस में लॉक एनेबल करना है वो एप्लीकेशंस को अपने आईफोन या तो आईपैड में सिलेक्ट कर लेना है। सो गाइस, आपको एप्लीकेशन सिलेक्ट करने के बाद आपको राइट हैंड साइड कॉर्नर पे एक डन का आइकॉन मिलता है, उसके ऊपर टैप करने के बाद आप देख सकते हो कि इस ओपन का ऑप्शन मिलता है, तो सिंपली उसको टैप करके ऑन कर देना है। ऑन करने के बाद आपको राइट हैंड साइड कॉर्नर पे नेक्स्ट का आइकॉन है, उसके ऊपर टैप करके आपको एड एक्शंस पे चले जाना है। एड एक्शंस पे क्लिक करने के बाद आपको एक ऑप्शन मिलता है सर्च बार का, सर्च बार में आपको टाइमर का सर्च करना है। सो गाइस, सर्च करने के बाद आपको इस तरह का इंटरफेस आपके आईफोन या तो आईपैड में दिख जाएगा, तो सिंपली आप देख सकते हो कि स्टार्ट टाइमर का ऑप्शन मिलता है, उसके ऊपर टैप कर लेना है। सो गाइस, टैप करने के बाद आपको 30 सेकंड का ऑप्शन मिलता है, तो सिंपली आप 30 पे क्लिक करने के बाद आपको 1 सिलेक्ट करना है, और मिनट के ऊपर टैप करने के बाद आपको सेकंड में कन्वर्ट करना है, सेकंड में कन्वर्ट करने के बाद आपको सिंपली नेक्स्ट के ऊपर टैप करना है। आपको लास्ट ऑप्शन मिलता है आस्क बिफोर द रनिंग, तो सिंपली आपको डोंट आस्क के ऊपर क्लिक करने के बाद आपको टर्न ऑफ करके डन कर देना है। सो गाइस, आपके आईफोन में एक ऑटोमेशन या तो शॉर्टकट्स आपके आईफोन या तो आईपैड में क्रिएट हो चुका है। अब बात करते हैं दूसरे सेटिंग्स के बारे में। सो गाइस, आपको अपने आईफोन में क्लॉक को ओपन करना है। ओपन करने के बाद आप देख सकते हो कि राइट हैंड साइड बटन पे टाइमर का ऑप्शन मिलता है, टाइमर में आपको वेन टाइमर एंड्स का ऑप्शन मिलता है, उसके ऊपर टैप करके आपको स्टॉप प्लेन पे क्लिक करने के बाद आपको सेट कर देना है। सेट करने के बाद आप देख सकते हो कि आपको होम बैक में कम बैक आ जाना है। सो गाइस, अब देखते हैं कि अपने आईफोन में इंडिविजुअल ऐप लॉक कैसे वर्क करता है। तो सिंपली आपने जिस एप्लीकेशंस में लॉक लगाया है उसको सिंपली ओपन कर लीजिए आपके आईफोन में। सो गाइस, एप्लीकेशंस को ओपन करने के बाद आप देख सकते हो कि इस तरह का इंटरफेस आपके मोबाइल स्क्रीन में ओपन होता है, तो उसी तरह आप अपने आईफोन में इंडिविजुअल ऐप लॉक को एनेबल कर सकते हो। सो गाइस, ये सब बात हो गया अपने आईफोन में इंडिविजुअल ऐप लॉक को एनेबल करना। गाइस, बट स्टिल अपने आईफोन में एप्लीकेशंस ओपन करने के बाद आपको इस तरह का इंटरफेस दिखता है। इस इंटरफेस में आपको एक शॉर्टकट का नोटिफिकेशंस दिखता है, उसको कैसे डिसेबल करें, तो उसके लिए सिंपली आपको थोड़े स्टेप को फॉलो करना होगा और अपने आईफोन में टर्न ऑफ करके आप अपना नोटिफिकेशंस का ऑफ कर सकते हो। सो गाइस, नोटिफिकेशंस को ऑफ करने के लिए सबसे पहले आपको सेटिंग्स ओपन कर लेना है। ओपन करने के बाद आपको स्क्रॉल डाउन करके स्क्रीन टाइम में जाना है। स्क्रीन टाइम में आप देख सकते हो कि ऑप्शंस मिलता है सी ऑल एक्टिविटी, उसके ऊपर टैप करने के बाद स्क्रॉल डाउन करना है। स्क्रॉल डाउन में आप देख सकते हो कि नोटिफिकेशंस में आपको एक शॉर्टकट का ऑप्शंस मिलता है, उसके ऊपर टैप करके एलो नोटिफिकेशंस का ऑप्शंस मिलता है। आपके आईफोन में टर्न ऑन हो तो आपको सिंपली उसको टर्न ऑफ करके कम बैक हो जाना है। अभी आप अपने आईफोन में कोई भी एप्लीकेशंस इंडिविजुअल ऐप लॉक अनेबल करके आप देख सकते हो कि आपके आईफोन में कोई भी नोटिफिकेशंस और इजी टू एनेबल ऐप लॉक इन योर आईफोन एंड आईपैड। आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब एंड आपके फ्रेंड को भी शेयर कर देना। थैंक यू सो मच।